Hi guys, good morning, welcome back to the vlog. आज हम लोग भी जस्ट जा रहे हैं कॉलेज एंड टुडे इज रियली क्लाउडी वेदर. 80% प्रेसिपिटेशन दिखा रहा था तो आई थिंक जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुँचे क्योंकि अभी मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है और इट्स आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन सून. थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है तो अभी तो यही टारगेट है बिना भीगे बस कॉलेज पहुंच जाए. द थिंग इज आई एम ऑल्सो कैरिंग माई लैपटॉप सो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो इसलिए भीगना अफोर्ड नहीं कर सकते अभी एंड बस कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी बस स्टॉप पे पहुंच जाऊँ. उसके बाद सीधा रूट नंबर 13 की बस लेके जाएंगे कॉलेज. और गाइस जो पहले LCBO वाली वीडियो बनाने को बोला था उसमें डिले होने के लिए सॉरी यार, बट वो वाला वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया. तो वो वाली वीडियो मैं आज के में ऐड कर दूंगा LCBO का इंट्रो पूरा. तो अभी जाते हैं पहले कॉलेज, आज केवल एक ही क्लास है तो आई थिंक जल्दी निपट जाएगा सब कुछ आज. एंड फिर एक बार कॉलेज पहुंच के फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो. ओके हाय गाइस, सो जस्ट अभी हम लोग अभी कॉलेज पहुंच गए. इट वाज अ बिट ट्रेनिंग बट ज़्यादा नहीं भीगे तो कोई नहीं, सही है. अभी कोई आया नहीं है मेरे हिसाब से मेरे बैच का, तब तक मैं थोड़ा क्लास की तैयारी कर लेता हूँ एंड अभी फिर कॉलेज से निकलने के बाद सीधा LCBO में अब मिलेंगे. जस्ट या दैट वन, काफ़ी दिन से पेंडिंग है ये, मिलते हैं अभी LCBO में फिर. हाय गाइस, जस्ट अभी हम लोग कॉलेज से निकल गए हैं. ये हम लोग LCBO जस्ट एंटर करने जा रहे हैं एंड ये हैव जस्ट एंटर्ड LCBO नाउ. सो एज यू कैन सी देयर इज नियरली एवरी टाइप ऑफ वाइन या Let's say every alcohol will be available here. So these are champagnes. किसी को गिफ्ट करना हो तो champagnes are the most used things in alcohol. इधर पीछे के साइड ये सब बियर्स वगैरह लगी हैं. फोर के पैक्स, लाइक पैक ऑफ फोर विल कॉस्ट यू लाइक $11-12. सो दीज आर कॉकटेल्स. सो ऑल हियर आर बियर्स. कैन सी बियर लिखा है. आगे की साइड इधर चिल्ड वाइन लगी है. एंड एनीथिंग एल्स, द सोडाज वगैरह लगे हैं, कूलर्स, जिन लोगों को कूलर पीने का शौक है उन लोगों के लिए. These are the international beers. So another interesting one here is the most, one of the most popular, Corona. The disease is also popular and the beer is also really popular. एक और ऑप्शन हैनिकन है,
क्यूबॉक सो दिस इज कार्लसबर्ग अनदर पॉपुलर ब्रांड ये देखिए हेनेकन के एक कैग हैं दिस कैग इज फॉर $34 लेट्स सी कुछ और इंटरेस्टिंग है इधर की नहीं छोटी बॉटल में सोच रहा हूँ किस चीज की है ये नो नो थैंक यू एंड दीज आर द विंटेज वंस सो इन लोग की प्राइस देखते हैं एक बार दीज आर दैट एक्सपेंसिव बट स्टिल लाइक सम आर लाइक $44 नॉट दैट एक्सपेंसिव जितना मैंने सोचा एंड दिस इज द एसेंशियल्स कलेक्शन सो कैवल का है इसमें मिनट प्रेस्टिज का है रोज पासो का है और इसके बाद विंटेज में एक बार आपको दिखा देता हूँ देन वी विल गो इन टू द रम सेक्शन सो आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई ब्रांड मुझे मालूम है बट ये है कि These are the vintages, so some of them might be expensive. मैं वही देख रहा हूँ कि out of all these इनमें से सबसे expensive वन मैं आप लोगों को कौन सी बताऊँ Maybe I'll have to ask someone. Don't think so. यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव वाली दिखेगी मुझे नियरली सब 23-25 वैसे थी कैनेडियन क्लब इट्स फॉर 35 दिस इज 44.25 65 दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव अभी तक जो मैंने इधर देखी है Anything else? I don't think so. सब वही 40s की रेंज में 30s की रेंज में है न्यू रिकॉर्ड वी हैव फाउंड एट 69.95 अभी तक की यहाँ की मैंने जो सबसे एक्सपेंसिव देखी है एंड दिस इज 40 क्रीक लेट्स सी कुछ और मिलता है कि नहीं डोंट थिंक सो दैट्स अबाउट इट आई गेस सो आई थिंक ये थोड़े एक्सपेंसिव वाले में हम लोग पहुंच गए एट लास्ट सो हियर समवेयर सकापा रॉन सकापा इज लाइक फॉर 79 देयर इज बुम्बू जोरम $70 Hibikil $148 and there are many other options so ab main idhar sabse expensive pe aata hu which is the El Dorado and it is for $500 this is El Dorado $500 and there are like fancy bottles here these are like 4-liter bottles and these start from whiskey ki bottles hai 140 115 aise hai inki pricing around so ye rum ye bhi rum ka section tha aur ye bagal mein idhar whiskey ka section hai and these are like from $60 to $100 $150 in sab ki price range ye hai whiskey ki so इसके आगे फिर स्कॉच पे आ गए हम लोग स्कॉच सेक्शन
सो आई थिंक इस यहाँ पर प्राइस रेंज चल रही है अराउंड $30-40 टू आई थिंक इधर फिर $99 की भी है, तो $30 टू अराउंड $100 की रेंज है इधर. सो नाउ देयर इज अमेरिकन विस्की, दीज आर लाइक $50 ईच. सो दीज आर लिकर्स. अराउंड वही $10-30 में. सो दीज आर ब्रांडी, दीज आर $30-50. एंड ओ सॉरी, दिस इज वोडका एक्चुअली, दिस इज द वोड. सो गाइज या अचानक से LCBO में रिकॉर्डिंग इसलिए बंद हो गई क्योंकि वहाँ के मैनेजर ने बताया कि इट्स नॉट अलाउड फॉर अस टू रिकॉर्ड द वीडियो ऑफ द प्रमाइसिस. सो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा वॉलमार्ट आ गए थे कुछ सामान लेने, और सामान लेके हम लोग फिर वापस बस स्टॉप जा रहे हैं कॉलेज के सामने वाले, एंड फिर वहाँ से अब सीधा घर जाएंगे, थोड़ा कुछ बनाएंगे, मे बी पेट पूजा करने की सख्त ज़रूरत लग रही है. ओके गाइस, तो फिर ये आज के ब्लॉग में इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी. फिर बाय गाइस.